घुमंतु जीवन यापन करती रही घुमंतु जातियों को शताब्दियों की करवट का एहसास भले ही नहीं हुआ, लेकिन पिछले दशक में बदलाव की तेजी ने समस्त विश्व में परिवर्तन के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। पिछली कई शताब्दियों से समय और दौर चाहे जो भी रहा, घुमक्कड़ जातियों की जीवन शैली अपने चिर परिचित अंदाज में ही जीवंत रही। पहले ऐसे ही डेरे लगे फिरे थे, आज यहाँ है कल वहाँ है फिर सुबह है नू फिरते। द नोमैडिक कम्युनिटीज हु आर ट्रैवलिंग वेयर एन आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एन एड्रेस। इफ यू डोंट हैव एन परमानेंट एड्रेस देन यू आर नॉट काउंटेड, एंड इफ यू आर नॉट काउंटेड एज ए सिटीजन देन यू डोंट एग्जिस्ट एज ए सिटीजन। ये गाँव से वो गाँव घूमते हैं, उनके वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, बीपीएल की जो लिस्ट है दारिद्र्य रेशे के नीचे रहने वाले लोगों उनमें उनका नाम नहीं आता है। ये जैसा घुमंतुपन कारण है उससे उनका अज्ञान भी कारण है। उस टाइम तो मैंने पता नहीं था 109 है कि 106 है क्या है, वो किसी का ऐसा है कि भाई किसी रात को किसी को आदमी को पकड़ लेता है तो उसको बंद कर देता, उसको 109 होती है। उस टाइम हमने पता ही नहीं था वो 109 है कि 106 होती है कि 10 होती है। वो फिर वैसे उसमें डोलने फिरने जंगल खाली रहा नहीं, मुलतानी मुलतानी के टाइम पीछे औलाद हुई तो उस देख लिया भाई कोई मजाली बात नहीं तो बैठ गया जगह जगह डेरा उठा के ला के हमने ये मौका देख के प्रतिपरा जंगल में हमने डेरा डाल दिया। अपने आप को प्रकृति की संतान समझती आई घुमंतु जातियों ने समाज और प्रशासन से टक्कर ले यह नारा बुलंद करते हुए कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह कहकर अरावली की इन तलहटियों में अपनी ढानियां बसाई। कोई पूछेगा तो ये क्या है? पहचान पत्र है। और पहचान पत्र क्यों है? क्योंकि इससे हमारी पहचान है। संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर रहे घुमंतुओं को विगत 15 वर्षों से अरावली की तलहटी में बसाने और पहचान दिलाने की प्रक्रिया ने 50,000 से भी अधिक घुमंतुओं तक पहुंच बना सफलता के जो मापदंड तय किए उसके पीछे रहा घुमंतुओं का जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक धीमा सघन और गहरा सफर। देखते ही आक्रामक हो उठने वाले इन घुमंतुओं की पाठशाला को फिल्मों में ढालने के लिए हमें घुमंतुओं पर रिसर्च करने के दौरान दिवंगत कोमल कोठारी जी से मिला मूल मंत्र कभी नहीं भूला। यदि घुमंतुओं के रहस्यमय जीवन शैली और आश्चर्यजनक जीवन शक्ति को समझना है तो उनके साथ एक लंबे अरसे तक रहना होगा और इस धीरज के बदले जीवन ज्ञान के जो अंकुर मिलेंगे वह आपको समस्त जीवन ऊर्जावान बनाए रखेंगे। 7 साल के अनथक प्रयास के बाद हमें एक फिल्मकार के रूप में घुमंतुओं का विश्वास तो हासिल हुआ, लेकिन तब तक हम स्वयं घुमंतुओं की पाठशाला का हिस्सा बन चुके थे।
सतही तौर पर देखेंगे तो पाएंगे कि घुमंतू जीवन में सब कुछ बड़ा अव्यवस्थित चल रहा है। न आने का समय है, न जाने का समय है, न रहने की जगह है। लेकिन कुछ साल इनके साथ बिताने के बाद आप पाएंगे कि इनके बीच कुछ ऐसा परंपरागत ढांचा है जिसका आकार और शक्ल नहीं है, लेकिन वो ढांचा बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है। नहीं, वो होते थे, ये पंजीकरण होते थे, हमारे होते हैं जागे, जागे जागा होता है वो। अच्छा। जो मर गया तो उसका लिखेगा भाई उस तारीख ने मरिया है वो, बच्चा जन्म रहा बच्चे का नाम लिखा जाएगा। अब मेरा वो 2016 का जन्म है, जैसे हिंदी में होता है 2016 का जन्म, वैसे जो जन्म बच्चों का, हर बच्चों का हमारा जन्म, अभी भी पंजीकरण वो भी करने आते हैं। अच्छा, जागा समुदाय जो है, हाँ, वो पढ़ा लिखा होता है। जैसे मेरा बच्चा हो गया, मैंने उसके नाम घोड़ा मंडवा दिया तो घोड़ा का वो 100 रुपया लेगा, हाथी मंडवा दिया तो 1000 रुपया लेगा कि बच्चे का नाम हाथी मंडवाया। जैसे कड़ा मंडा दिया ये 20-20 रुपया लेगा इनका, वो जागा लेगा। हाथी सबसे बड़ा है, हाथी मंडवाऊंगा ना 1000 रुपया लेगा वो। हाथी मंडवाना मतलब मेरा बच्चा होया हाथी दान में दिया, खाना मतलब दान। अच्छा अच्छा, जन्म के ऊपर। अच्छा, वो तो माँ बाप की इच्छा ऊपर मान लेता है, वो देख लेता है भाई अच्छा उसमें जुगाड़ है तो उसके हाथी अपने आप मान लेता जागा। अच्छा। आज ग्राम पंचायतें, सभ्य समाज, शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग घुमंतुओं तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन इन घुमंतुओं के परंपरागत शैली में इनके साथ एक शिक्षित समुदाय हमेशा से जुड़ा रहा है, वह है जागा समुदाय, जिसके पास आज भी इन घुमंतुओं के जन्म मरण के पंजीकरण, इनके नामकरण, उन सब का रिकॉर्ड अभी तक है। छोटी सी किताब मारे पाठशाला छे, छोटी सी किताब मारे पाठशाला छे, मारी चरे न्यारी छे, मारी चरे न्यारी छे, मारी चरे न्यारी छे, मारी चरे न्यारी छे, छोटी सी किताब मारे पाठशाला छे, छोटी सी किताब मारी पाठशाला छे। ये ललक जब पैदा हुई कि मैं आकाशवाणी में प्रोग्राम देता था यहाँ, तो वहाँ पे बैंक में जो वो दी मेरे को चेक, वहाँ मेरा खाता नहीं खुला, गोठा लगाने लगा तो कहा नहीं दस्तखत सीखो। फिर गांव में गया, एक मीणा आया हमारे, उससे मन किया बड़ा बड़ा दस्तखत करना सीखा मेरे को, उसने लिख के दिया, रात रात में सीख के सुबह आके दस्तखत कर दिया, खाता खुल गया मेरा। राजस्थान की तपती जमीन और गर्म हवा के थपेड़ों में पेड़ों तले चल रही घुमंतू पाठशालाएं एक लंबे संघर्ष के बाद धीरे धीरे एक निश्चित आकार ले रही थीं, और घुमंतू पाठशालाओं में साक्षर हुए घुमंतू नए छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे थे। के, के, खे, खे, गे, गे, घे, गे, ने, ने, चे, चे, छे, छे, जे, जे, झे, झे, ने, ने, ते, ते, थे, थे, दे, थे, दे, अने, ते, थे, थे, दे, धे, ने, ते, फे, बे, भे, मे, ये, रे, एनार, एनार, आ आम, आ आम, ए आम, ए आम नहीं, आ आम, ए आम, आ बोल, आ, आ, आ आम, आ आम, ई इमली, ए इमली, ई इमली, ई इमली, अब बोल दोबारा, ए अनार, ए अनार, अब बोल, आ, आ, आ आम, आ आम। अब जैसे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपकी भी इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, तो आप पढ़ने लिखने लगे हो? अब पढ़ने के लिए मेरा भी मन करता है, मेरा आदमी भी पढ़ाता है मेरे लिए, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरे। अब ये कबूतर खे कबूतर ये सीख रही हो आपके, ये एक दो हंसकर तो याद आ जाते ही है मेरे से, गिनती भी याद आ जाती। तो टेलीफोन आप कर सकती हो किसी को? कर लेंगे साहब, अब नहीं करेंगे तो कर लेंगे, नंबर पहचान करके, नंबर पहचान के कर लेंगे। गे, 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 गा, गा, गी,
गु गे गा छोटी गी बड़ी गी छोटो गु बड़ो गु गे गई गो गौ गंग गे ये तो मुझे आज अंडे शिकी जी साहब नाम अंडे शिकाया साहब का नाम शिको जना थोड़ो को नाम शिको की जना तो क्यों था ये व्यवस्था होगी बीबी नहीं बेटा वो सहन कर बोते आवे उसको लेकिन अब क्या पढ़े वो भी तो ये कहते हैं ना पढ़ने से क्या मिलता है मैं लोगों को बताऊं पढ़ाई में बहुत मिलता है जो हमारा समाज बड़ा बूढ़ा होता है ना उसको बताता हूं मुझे देश और भी है बहुत देश है ये चांद छुरू छपते नहीं है मेरे को क्या पता अब हम तो नू छप के नू हो गया मुझे ये अपनी जगह पे वो हंसते मजाक करते है बावला है नू छाप नू छपता है मुझे पृथ्वी घूमती है पृथ्वी गोली ये अपनी जगह पे है एक बावला है अच्छा बावला है नू से आता है नू आता है दिल्ली नू है तो फिर नू तो ना आती है अरे जब पृथ्वी घूमती है दिल्ली थोड़ी घूम रही है लेकिन लोगों अपनी समय उसको मजाक माने अभी भी कि उनको समझ में आती नहीं है ना तो आप जो ज्ञान की इतिहास की बात कहता हूँ ये तो जितना भी ज्ञान बड़ा है आखिर मान लिया मानते नहीं मेरी तो बिल्कुल झूठी मानते हैं वो क्यों जब 100 आदमी में एक आदमी बताओ तो एक सच्चा होगा ना सो वो सच्चा होगा गुस्सा नहीं आता कि पढ़ाई ने क्या कर दिया मेरी बात नहीं मानता अब मैं तो खूब गुस्सा जब आओ जब तो मैं कह रहा हूँ कि सब उल्लू वो मेरे को उल्लू बनाता है मैं सारा उल्लू है अरे लेकिन जब 100 आदमी एक तरफा है उनको बात ना बैठे कभी फिट होती नहीं बात कि झूठ बोलता है ये चांद वहाँ इधर आ रात की रात कैसे पहुंच जाता है वहाँ आज यहाँ सुबह कल वहाँ निकल जाता है लेकिन उसको बड़ा ताजुब होता है बात कहना समुद्र पार की बात झूठी का अपना देश यही है अरे वो समुद्र पार तो कई समुद्र पार बहुत देश है अपना देश है इतना बड़ा बड़ा बहुत देश है हमको यही पता नहीं था उस टाइम में हमारे हिंदुस्तान में कितना राज्य है हम तो कौन बस यही जाना है इतना ही भाई ये अलवर हुआ जयपुर हुआ जो हम घूमता ना यही है क्यों इतना ज्ञान है ना जैसे जलम दुखी नहीं ज्ञान हो ना तो खार आपके सूर मूर में सत्य और जो ज्ञान गढ़े थे ना तो ज्ञान से सुख जाता है तो आपको क्या लगता है जब ज्ञान मिलता है तो चैन खो जाता है तो ज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ना तो चैन खो जाता है कोई कोई टाइम मेरे को रात में नींद नहीं आती बोलो कोई कोई टाइम मेरे को नींद नहीं आती नींद तो नुकसान हुआ ना ज्ञान का बिल्कुल होता है ना फिर क्यों लगन है आपको ज्ञान की ज्ञान ये भगवान की कुदरत है मैं क्या करूं इसमें मारी चरे न्यारी छे मारी छे रे न्यारी छे नए छात्रों के रूप में जुड़े घुमंतुओं को जहां शिक्षा सामग्री के रूप में घुमंतु पाठशालाओं के शुरुआती दिनों की प्रेरक कहानियां सुनने को मिली वहीं पुराने छात्रों के लिए शुरू हुए पाठ्यक्रम के नए अध्याय छोटी सी किताब मारी पाठशाला छे पेन कलम ये साथ में रहे पता नोट करने में पेन कलम ये साथ में रहे पता नोट करने में तो खाता क्यों नहीं खुल पाए बताइए अब टाइम पे आओ कदब ये बैग बंद हो जा कदे आगे सो आगे हो जा बैग बंद भी कब खुद खाता खुलाओ कैसे हम कई बार आ गए हम खाता खुला बाने तो खाता नहीं खुलने से तो आपको तो परेशानी हो रही है ना परसों तो हो रही है सब बात की हो रही है आपको ये कहा था कि भाई एक तो मतदाता जिसे वोट डालते हैं ना मतदाता परिचय पत्र ये होना चाहिए तो ये आप अब तक क्यों नहीं लेकर के आए एक बार तो लिया ही मैं तो बता दिया था मैंने बता दिया घुमंतु पाठशालाओं में साक्षर हुई घुमंतु महिला पंचों को सूचना के अधिकार के लिए तैयार करने हेतु हिसाब किताब सिखाने की तैयारी की गई। प्रत्येक महिला पंच को घुमंतुओं के डेरों और सरकारी दफ्तरों तक जाने फोन करने और चिट्ठी लिखने के लिए दी जाने वाली सहायता का हर महीने लेखा जोखा रखने की समझ बनाना जरूरी था खर्चा लिखकर हमें हर महीने बताएंगे और एक कॉपी लेकर आएंगे जब भी हम आएंगे उससे जब आप 5-6 महीने तक ये कॉपी लाएंगी तो हमको ये अंदाजा हो जाएगा आपके पैसे की जरूरत कितनी है हम कितना बढ़वाएं सरकार को चिट्ठी लिखें खर्चा इस तरह से होता है और इसमें कुछ करके दिखाओ और कहो कि कम पैसा है भाई और दो है ना लेकिन कैसे कहोगे जब खर्चा होगा तब है ना हाँ तो इसको थोड़ा सा समझो इस चीज को ये आपके फायदे के लिए जब कोई कहता है ना खर्चे का हिसाब दो तो इसलिए नहीं कहता कि आप चोरी करते हो नहीं नहीं इसलिए कि ज्यादा लेने के लिए चिट्ठी कैसे लिखे ठीक है तो ये सबको दो अधिकारी बाला कृष्ण देवन रे
श्रीमती राकोरी का हिसाब किताब में गजब के पक्के ये घुमंतु यूं तो दिमागी तौर पर सब समझ रखते हैं, लेकिन गणित को कागजों पर उतारने की प्रक्रिया में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। खाता क्या स्थानीय स्तर पर तो दो लोगों को खुला हुआ है, ऊपर ले लिया। रेखा जी, रेखा जी यहाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं। लता बताओ कैसे करें। अजी मैं मेरे छाती पर करके आज कल मैं याद कर रही, मैं फोन कर। इसी पाठ्यक्रम में उन्हें बैंक में खाते खुलवाने के लिए भी शिक्षित किया गया। मैं सुभाष त्यागी, मैनेजर स्टेट बैंक विराटनगर से आया हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपके सामने अब बैंक के बारे में बताऊँ। हर आज की तारीख में हर मनुष्य ये चाहता है कि मेरा बैंक में अकाउंट हो। उसके कारण क्यों हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, कितना ही रईस है, कितना ही छोटा, क्यों बैंक में खाता रखने से एक तो अपनी साख बनती है, साख बनती है, दूसरा बैंक में जो भी अपनी छोटी छोटी बचत होती है उसमें अपना चाहे 10 रुपये है चाहे जितना भी बचा सकते हैं, कम से कम 500 रुपये से खुलता आजकल खाता, तो उसमें अपना जमा करो। और यदि बैंक में पैसा है तो आपको जब जरूरत होगी, बहुत आवश्यकता होगी, तभी निकाल लेंगे आप। दूसरे आजकल बैंकों में बचत खाते के साथ साथ बीमा भी शुरू कर दिया है बैंकों ने साथ में, जिसमें क्या है कि बहुत छोटी सी बचत 10 साल तक आप जमा करें। डरे सहमे कदम पहली बार बैंक में प्रवेश कर रहे थे। बैंक मैनेजर के सामने कुर्सी पर बैठने का अनुभव किसी व्यक्तित्व विकास की वर्कशॉप से कम नहीं था। जब बैंक मैनेजर ने मूमल बंजारन को फोटो के लिए घूंघट हटाने को कहा तो मूमल ने हल्का सा घूंघट हटाकर जवाब दिया कि इतने से ही काम चला लो। बैंक मैनेजर के समझाने के बाद मूमल ने पूरा घूंघट हटाया और अपनी फोटो का जायजा लिया। सामने देखो, घूंघट हटाओ, घूंघट घूंघट हटाओ और हटाओ थोड़ा पीछे, तो और फोटो लेना है। हाँ, हाथ नीचे करो। ये एक फिल्म मेकर के रूप में यह क्षण अमूल्य ही थे। ज्ञान और समझ के चलते बरसों पुराने पूर्वाग्रह टूट रहे थे और दर्ज हो रही थी किसी भी ग्रामीण बैंक के इतिहास में पहली बार एक घुमंतु जाति की महिलाओं के खातों की उपस्थिति और उनकी नागरिकता का एक जीता जागता प्रमाण। माया को रहस्यमयी कोड के जरिए जमीन में दबा छुपा कर रखने वाले घुमंतु अब माया को कागजों में रखना सीख रहे थे, जो उनके लिए उतना ही विस्मयकारी था जितना हमारे लिए उनका माया गाड़ कर रखना। एक अकाउंट नंबर और खाते की छोटी सी किताब उनके पैसे की सुरक्षा की गारंटी है, यह बात हजम करने में उन्हें खासा वक्त लगा। महिलाएं अनपढ़ है, दिन भर कई तरह के काम करती है, बीमार की सेवा करती है, बच्चों को पालती है, पानी भरती है, खेत में काम करती है, खाना बनाती है। सवाल एक महिला पढ़ाना सीखने तो क्या लाभ होगा, सवाल एक महिला पढ़ना सीख ले तो क्या लाभ होगा, पढ़ने लिखने में क्या लाभ होगा।
महिलाओं को बस का नंबर पूछना नहीं पड़ेगा, अंगूठा लगाना नहीं पड़ेगा। देख लो भाई, महिला पढ़ लग तैयार हो जाएगी तो अंगूठा लगाना नहीं पड़ेगा उसको, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा बस का क्या नंबर है, बस कहाँ जा रही है। पढ़ने से उसकी जानकारी बढ़ेगी, वह अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह कर पाएगी, वह चिट्ठी पढ़ पाएगी, सफाई पर अधिक ध्यान देगी, खाने पर अधिक ध्यान देगी, बच्चे की बेहतर देखभाल करेगी। पढ़ जा तो। सवाल दो, अखबार और पोस्टर पढ़ने से क्या लाभ होगा, क्या ये खतरे से बच पाएगी, उसकी जानकारी बढ़ेगी, परिवार को सही आहार दे पाएगी, मतलब इसे पढ़ लगे पोस्ट कार्ड अखबार पढ़ लगे भाई देश में क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, समाज के काम में जुट पाएगी, परिवार को सही आहार दे पाएगी। सवाल तीन, यदि महिला लिख सके तो क्या लाभ होगा, क्या वह सही दिहाड़ी लेकर अपना नाम लिखा पाएगी, दिहाड़ी पूरी मिलेगी काम मार जाओगे तो पढ़ी लिखी होगी तो, वह बैंक में खाता खोले पाएगी, चिट्ठी लिख पाएगी, घर का हिसाब लिख पाएगी। पढ़ लिखी होती तो दी थी खाता खोल जाता बुझने जरूरत थी कोई नहीं। सवा शेर गयू सवा शेर गए हूँ, हाँ गयू उसी आइए जोड़ना नहीं पड़ता नहीं तो ये सब चीज हो जाए कि भूल गई सब काम आज की बात से। कमर तोड़ ब्याज की मार झेल रहे घुमंतों ने शिक्षा के प्रभाव के चलते उससे निपटने की तैयारी भी कर ली। मामराज बंजारा, धौली बावरिया और शंकर सिंगीवाल ने घुमंतों को ब्याज के कुचक्र से निकालने के लिए एक छोटा सा घुमंतु बैंक भी बनाया। नव साक्षरों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित प्रेमचंद की रचना सवा शेर गेहूं मानो इस बैंक का आधार रही। पांच घुमंतु विकास मंत्र ने किया कि एक तो हमारा ये 10 आदमियों का एक खाता खोले हमने ऑफिस में, अपना ही खाता बनाया एक, तो उससे क्या है कि हर महीने मैंने हर आदमी 500 रुपया इसमें गिरा जाऊंगा, तो ये हमारा जैसे एक सामूहिक खाता हो गया, एक हमारा खुद का बैंक कर लिया हमने, भाई इसमें हम गिरा जाऊंगा पैसा, जिनको जरूरत पड़ेगी तो किसी को 5,000 दे देगा, उससे कोई ब्याज नहीं, वो महीना दो महीना बरत के अपना वापस दे देगी। जरूरत हर आदमी को जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत होती है, तो इसमें हमारा ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा, किसी एक आदमी को जरूरत पड़ेगी उसको दे देंगे, तो उसमें जैसे हमारे ऐसे हमारे साधारण लखाई पढ़ाई कर ले, उसमें अभी ऐसा नियम तो है नहीं भाई, जो एक दूसरा गारंटर हो जाएगा किसी जरूरत पड़ेगी तो वो उसको 10-5,000 रुपया जो जरूरत पड़ेगी उसे देगा, तो वो गारंटर दबा देगा उसको, महीना दो महीना रख के उल्टा लौटा देगा अपना, फिर वो किसी और की जरूरत पड़ेगी किसी और दे देगा, तो ऐसे ये चलता रहेगा अपना। रकम बकाया तो लिखवाया, उधार चुकाया तो लिखवाया, रकम बकाया तो लिखवाया, उधार चुकाया तो लिखवाया, सारा हिसाब मारी पाठशाला छे, सारे घुमंतु पढ़ लो पाठशाला छे, मारी छे न्यारी छे पाठशाला न्यारी छे, रकम बकाया तो। घुमंतु पाठशालाओं में मिले अक्षर ज्ञान ने न केवल घुमंतुओं को अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया अपितु बेहतर जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भरता के नए पाठ भी पढ़ाए। आत्मनिर्भरता के पाठ पढ़ाने के लिए घुमंतु पाठशालाओं में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों के बारे में जानेंगे अगले भाग में। मन बन जा रहा सुन ले।
बन जा रहा सुन ले, बन जा रहा सुन ले, मन 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 बन जा रहा, 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 मन